वापस भेजा जा रहा है। अरे गुड़िया पे परिचय दो। नमस्कार, मैं हांसी की आवाज़ से राजीव बंसल बोल रहा हूं। आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आज हम खड़े हैं मैयर टोल प्लाजा पर। किसानों के आंदोलन को 74 दिन हो गए हैं और किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ गोलबंद किया हुआ है और आज उनके आह्वान पर हाईवे जाम का सांकेतिक 3 घंटे के हाईवे जाम का आह्वान है 12 बजे से 3 बजे तक तीनों कृषि विधेयक को लेकर। यहाँ कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं। अभी 12 बजने में कुछ टाइम है, जैसे ही 12 बजेंगे तो इनका क्या एक्शन प्लान है वो हम दिखाएंगे आपको। फिलहाल यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ बच्चियाँ भी हैं, तो मैं जानूंगा। बहन जी, क्या नाम है आपका? वंदना जी। वंदना जी, क्यों आज हाईवे को जाम किया जा रहा है? किसान तो 74वें दिन भी है और सरकार ने 11 दौर की वार्ता भी कर ली है, किस लिए? काले कानून वापिस लेने के लिए किया गया है सारा। अच्छा, हम वापिस लेके ही जाएंगे। अच्छा, काले कानून का पता है कौन कौन से उसमें कालापन है उन कानूनों में, बताइए। हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ, ये जो कानून है वो हाँ, किसानों के हिसाब से ऐसे नहीं है। हाँ, हमारे खिलाफ है तो इनको वापसी लेने के लिए धरना रखा हाँ, जा रहा है। अच्छा, आप ये आपको गवारा नहीं है तीनों का? नहीं, हमें गवारा नहीं है। हाँ बहन जी बताइए, आज आप यहाँ हाईवे जाम कर रहे हैं तो 3 घंटे का सांकेतिक हाईवे जाम रहेगा, चक्का जाम रहेगा, किस लिए है ये? सर, मेरा नाम अनीता है, डॉक्टर हाँ, अनीता हाँ, मैं मेडिकल में जॉब करती हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब बताएं आप, तो हम तो डॉक्टर साहब को सलाम करते हैं। हाँ, धन्यवाद जी। हाँ, ये जो 3 कानून है हमारा हाँ, जो किसान है इनको काले कानून के नाम से जानता है, इनको नाम भी शायद नहीं बताओगे, लेकिन जो हमारे समझदार किसान भाई है उन्होंने इन कानूनों को पढ़ा है, विस्तार से पढ़ा है और बताया है। आपका ये सांकेतिक जो धरना है सरकार को हम बता रहे हैं, जब जनता और जब किसान अपनी पे आते हैं, उन्हीं जनता ने और किसान ने उन लोगों को दिल्ली में बैठाया है। अच्छा, तो वो हमें वहां आने से नहीं रोक सकते। और जब ये कानून जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है तो उन्होंने कानून क्यों बनाए? पहली बात, पार्लियामेंट 4-5 कंडीशंस ऐसी होती हैं जब स्टेट के सब्जेक्ट पे कानून बना देगी। अच्छा, कब बनाती है जी? जब प्रेसिडेंट रूल लग रहा हो किसी राज्य में। लगता है आपने कानून का अध्ययन अच्छी तरह किया है। एक मिनट, मान और सम्मान के योग्य मेरी मातृ शक्ति। क्या नाम है बेटे? मेरा नाम अंजना खरब। अंजना खरब, हाँ जी। बड़ी यंग हैं और डायनामिक हैं, आपकी कविता मैंने सुनी है। और आप किस लिए यहाँ पहुँची हैं, क्या करती हैं वैसे बेसिकली? मैं हूँ एरोस्पेस इंजीनियर स्पाइस जेट में। नहीं, मैं उड़ाती नहीं हूँ, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करती हूँ। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कि उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें ये दिक्कत जहाज में दोबारा ना आए। आपने तीनों अध्यादेश की क्या इन्वेस्टिगेशन की है, आज यहाँ मोर्चे पे हैं? इन्वेस्टिगेशन मुझे उनके बारे में उतनी ज्यादा करने की वैसे जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने और इस पूरे समाज ने जो उसका विरोध कर रहा है उन्होंने सबने उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी की है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा जानने की जरूरत है, क्योंकि ये गलत है तो गलत है। अब मेरा समाज बोल रहा है मैं उसका साथ ना दूं तो मतलब
ये बात जायज नहीं। आप तो एक पढ़ी लिखी हैं आप, हाँ जी, तो आप इनके अध्यादेश के अध्ययन किया आपने? अध्ययन किया मैंने, और पर मुझे एक भी अध्यादेश इसमें से किसानों के या फिर नॉर्मल जनता के फायदे में नहीं। सरकार 11 दौर की वार्ता कर चुकी है, हाँ जी, वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अमेंडमेंट्स करेंगे, बट वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स, वी जस्ट वांट दैट यू आर सपोज टू टेक देम बैक। We are just showing our unity that if you are not taking these bills back, then we are keep these things like this. After jamming this indication का जाम है और सांकेतिक जाम है, इससे सरकार का कुछ असर पड़ेगा क्या? पढ़ना चाहिए, अगर अभी भी नहीं पढ़ेगा तो हम फिर कुछ और स्टेप्स लेंगे। बताएं फिर आपकी कविता सुना दे मुझे आप। हाँ जी, अपना सुना बोलो। किसान एकता, किसान एकता, बोलिए क्या कविता सुना रही थी? हाँ जी, मोदी जी ने लागू किए हैं उन पर सांकेतिक चक्का जाम का क्या असर पड़ेगा? आम जनता के लिए नहीं है, ये सरकार के लोग जो चल रहा है लगातार भाई, ट्रैक्टर वाला साथी कोरोना ना बचा हुआ है, आराम तो खड़ा रहा है। सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं, ये छोटे छोटे प्रोग्राम हो रहे हैं, जब लोग जुड़ेंगे और लगातार आम लोगों का जो समर्थन हम मिल रहा है, ये बहुत बड़ा देशव्यापी जैसे चल रहा है, हर स्टेट में चल रहा है। भाई सभी युवा साथियों से मेरी अपील है, आप गाड़ी वाले के पास ना जाएं, अपने बैरिकेड मजबूत करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं किसानों के तीनों कानून के खिलाफ है। हाँ बिल्कुल खिलाफ है, और मैं यहाँ किसान आंदोलन का जो भी है मैं समर्थन करता हूँ, और मेरी मांग है, और मैं कमिश्नर असिस्टेंट प्रधान होने के नाते पहले किसान हूँ मैं, और मैं किसानों का समर्थन करने आया हूँ, और मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी सरकार से कि वो इनकी जो तीनों कानून हैं लगाए हैं जो काले कानून, इनको वापस दे और किसानों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। देखो जी, किसान आंदोलन की आवाज जाएगी कि पूरा हिंदुस्तान का किसान एक है। जहां अधिवक्ता जितने भी यानी कि कानून के रखवाले हैं, जिन्हें मैं वकील साहिबान कहूं, इन्होंने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ यानी कि यहां किसानों के समर्थन में रोड जाम कर दिया है, चक्का जाम कर दिया है, और कल भी इनका सांकेतिक धरना रहा, और ये सांकेतिक धरना इनका कितने दिन तक चलेगा ये खुद ही प्रधान जी पवन रापड़िया जी हमें बताएंगे। लेकिन ये सड़क क्या आप देख रहे हैं कि सड़क के बीचों बीच ये जो अंदर से हांसी के अंदर से होता हुआ ये दिल्ली की तरफ रोड जा रहा है, बाईपास साइड से निकल जाता है और कोर्ट के बिल्कुल सामने है, ये जा रहे काले कोट वाले जितने मैं कहूँ कि ये कानून के रखवाले हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं कि भी ये किस लिए इन्होंने ये आज रोड जाम किया है किसानों के समर्थन में, और क्या आपकी मांग है, क्या आपने अध्ययन कर लिया? हमारे साथ पवन रापड़िया जी हैं जो बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, और उनके साथ ही वकील हैं, साथ में सियाग साहब हैं, सचिव महोदय हैं, साथ में राणा जी हैं और भी अन्य वकील हैं। तो पवन जी बताइए कि भी आज आप आज किसान यूनियन के आह्वान पर जो सारा भारत बंद का आह्वान किया हुआ है, हम उसके समर्थन में कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने आज हमने भी रोड जाम किया हुआ है। और रही बात की कानून के बारे में अध्ययन की, अध्ययन तो जब से ये जाम लगे किसान आंदोलन शुरू हुआ है उसे लेकर अब तक सभी गांव में अनपढ़ आदमियों तक का को पता लग गया कि इस ये कानून में क्या चीज़ है, क्योंकि हमारी इस बारे में सारे हर बार हम जब भी मीडिया आती है तो मीडिया के सामने हमने बताया कि इन कानूनों में क्या है। अब हर किसान को, हर वर्ग को पता है कि इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और ये सरकार झुक नहीं रही है किसानों के आगे, किसानों की मांगें पूरी नहीं कर रही है, और हम किसानों के साथ हैं। जब तक किसान आंदोलन चलेगा हम उनके साथ इस आंदोलन क्या को चक्का जाम या ट्रैक्टर मार्च से कोई हल निकल सकता है क्या, जबकि 11 दौर की वार्ता हो चुकी है? ये डायलॉग से हल निकलेगा? जब 2 महीने 3 महीने किसानों को वहाँ पर बरसात में सर्दी में बैठे हो गए, तो इससे ये तो एक सांकेतिक हमारे सरकार को ये बात पूछाने की कि अभी तो अगर वो इस स्टेज पे मान जाती है हमारे किसानों की मांगें पूरी कर देती है तो ठीक है, वरना इससे भी बुरे हाल इस देश में हो सकते हैं, और
उसका भुगतान इस सरकार को करना पड़ेगा, मौजूदा सरकार को करना पड़ेगा। ये 3 बजे तक चलेगा संकेत जी? 3 बजे तक चलेगा ये, और 12 से 3 बजे? 12 से 3। यहाँ से किसी वाहन को आने किसी को भी नहीं, सभी आपके बार एसोसिएशन सभी सदस्य साथ हैं, और कुछ मेंबर टोल प्लाजा पे, कुछ माजरा प्याऊ पे, नारनून पे, दो टोल प्लाजा पे आपके वकील साथ, हमारे सभी जगह वकील साथी बैठे हुए हैं, माजरा प्याऊ पे भी हमारे वकील साथी बैठे हुए हैं, नारनून भी बैठे हुए हैं, टोल प्लाजा रामायण पे भी बैठे हुए हैं, और बार एसोसिएशन हासी भी ऐसा ही धरना दे रही है, रोड जाम करी कि उन्होंने इशार के चारों तरफ इशार के वकील भी बैठे हुए हैं। नमस्कार, ये थे सभी वकील साहिबान और पवन रापड़िया जी और इनके साथी, इन्होंने रोड जाम कर दिया है और 12 से 3 बजे तक का सांकेतिक यानी कि इनका रोड जाम चक्का जाम का ये आह्वान है। हम दिखाते रहेंगे इनको, तीनों कानूनों से कोई गवारा नहीं है, और कहते हैं कि डायलॉग से 11 दौर की बात हो चुकी है, उसके बाद अब ये संकेत जाएगा सरकार के पास कि सरकार आए, कदम बढ़ाए और किसी न किसी तरह किसानों का गतिरोध दूर हो। मैं राजीव बंसल, मेरे रिपोर्टर रवि सैनी के साथ, एडिटर अजय सैनी के साथ, इसी तरह आपको अपडेट से अवगत कराते रहें।